मेरा नाम है मीर और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज में मिस्टर शुक्ला नामक प्राइवेट डिटेक्टिव की एक कथा अध्याय एक। आज की हमारी ये कथा आजादी के पूर्व इलाहाबाद की है। हिंदुस्तान की आजादी से पूर्व बहुत सी शंकाएं दुख संकट रहा करते थे। जनता के अंदर का बहुत सी चीजों को लेकर विवाद था। इस कदर इन सभी विवादों के बीच कई हिमायती भी होते थे। सन 1924 में जिस समय अंग्रेज सिपाहियों और क्रांतिकारी भाइयों के बीच झड़प चल रही थी, उस समय हिंदुस्तान कई किस्म की यातनाओं से ग्रस्त था। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इलाहाबाद के प्रतिष्ठित कारोबारी दामोदर व्यास की बड़ी बेटी प्रतिभा की हत्या कर दी गई थी। दामोदर व्यास जैसे बड़े व्यापारी के जीवन में इस कदर उठते तूफान को देख इलाहाबाद के अंदर एक किस्म की बेचैनी घुलती दिखाई पड़ी। दामोदर व्यास मानो अपना जहनी तवाज़ा खो बैठे थे। आखिर दामोदर व्यास ने अपनी बड़ी बेटी प्रतिभा को खोया था। प्रतिभा के इस कदर अचानक दामोदर व्यास के जीवन से चले जाने पर ऐसा होना शायद लाजमी भी था। प्रतिभा के जाने के रोज दामोदर व्यास की आंखों से आंसू तक न छलके थे, मगर उसी समय दामोदर व्यास ने अपनी आंखों के समक्ष उस पुरुष को देखा जिसके कदम जुर्म की दुनिया के बादशाहों के जीवन की नींव तक हिला दिया करते थे, जिसके महकमों के अंदर जाते ही कानूनी कागजातों की स्याही फीकी हो जाती थी, अदालत के बीच जिसके सबूत इस कदर पुख्ता हुआ करते थे कि वकीलों की दलीलें भी पस्त हो जाती थी। उस व्यक्ति का नाम था जुगल किशोर शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ला कोई अफसर नहीं, कोई वकील नहीं थे, एक वाकिफ सलाहकार जिनको वक्त की करवटों ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव बना दिया था। एक ऐसा डिटेक्टिव जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी कभी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं कह सकता था। आमतौर पर उपन्यासों के अंदर जिस कद्र डिटेक्टिव्स की वेशभूषा होती थी, उसी कद्र वेशभूषा से मुतासिर थे जुगल किशोर शुक्ला। ओवरकोट और पॉकेट वॉच हर समय उनके पास रहा करती थी। जुगल किशोर एक चेन स्मोकर थे। दामोदर व्यास के नजदीक जा उन्होंने सिगरेट पैरों तले रौंदते हुए कहा, प्रतिभा को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी अब हुकूमत हिंदुस्तान की नहीं बल्कि मेरी है। दामोदर व्यास के व्यास भवन के पीछे ही प्रतिभा का कत्ल हुआ था। मिस्टर शुक्ला की पुलिस महकमे में बहुत अच्छी बातचीत थी, इसलिए कानूनन उनको सहायता थी, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं। मिस्टर शुक्ला ने प्रतिभा की लाश गौर से देखी तो प्रतिभा के गले पर रस्सी के गड़े हुए निशान थे। जिस तरह प्रतिभा की लाश पड़ी थी उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि पीछे की ओर से प्रतिभा पर हमला किया गया था, मगर प्रतिभा को किसी धारदार चीज से भी तो मारा जा सकता था। प्रतिभा के हाथ पांव की ओर मिस्टर शुक्ला ने गौर से देखा तो कलाई साथ ही पांव पर किसी किस्म की निशान नहीं थे, मतलब किसी तरह की जबरदस्ती प्रतिभा से नहीं की गई थी। मिस्टर शुक्ला ने सिगरेट जला पूरे परिवार को बुलाया, शायद वो आंसुओं की सच्चाई देखना चाह रहे थे। मिस्टर शुक्ला ने प्रतिभा के नखूनों की ओर देखा और प्रतिभा के हाथों की उंगलियों के तकरीबन सभी नाखून टूटे हुए थे, जिसके निशान शायद मिस्टर शुक्ला को खूनी तक पहुंचा सकते थे। मिस्टर शुक्ला ने प्रतिभा के शरीर को चादर से ढक पूरे परिवार का परिचय लिया। परिवार काफी बड़ा था। मिस्टर शुक्ला पूरे परिवार को बेकसूर नहीं समझ सकते थे।
मिस्टर शुक्ला ने पूरे परिवार का परिचय ले पूरे घर का मुआयना किया। पूरे परिवार वालों के हाव भाव वो कुछ इस कदर देखते मानो हाव भाव के जरिए ही असली अपराधी का पता लगा है। पूरे घर का मुआयना करते करते मिस्टर शुक्ला प्रतिभा के कमरे तक पहुंचे। प्रतिभा का पूरा कमरा बखूबी बना हुआ था, हर चीज अपनी जगह पर थी, पूरा कमरा एकदम सेट। मगर एक जवान लड़की कमरा इतना सेट कभी नहीं रखती। पूरा रूम जाहिर था किसी घर के नौकर या घर के सदस्य ने ही साफ किया था। इसी बीच प्रतिभा की मां जो अपने मायके गई हुई थी, संदेशा पा वो जैसे ही व्यास भवन पहुंची तो जाहिर था एक भावुक स्त्री के ऊपर क्या बीती है जो अपनी बड़ी बेटी को अचानक खो दे। प्रतिभा की मां सुशीला व्यास ने अपने उठने बैठने की समझ तक खो दी थी। मगर इन्वेस्टिगेशन के खातिर मिस्टर शुक्ला ने प्रतिभा के चाचा को पूछताछ के लिए बुलाया। मिस्टर शुक्ला ने प्रतिभा के रवैये के बारे में उसके चाचा श्रीमान मदन मोहन व्यास से पूछा, मगर कहीं भी उन्हें शायद कुछ सत्य मालूम नहीं हुआ था। शायद उस समय मिस्टर शुक्ला जान चुके थे कि इस बार कानूनी दावपेच नहीं बल्कि कुछ करने की आवश्यकता है। मिस्टर शुक्ला ने प्रतिभा का शव अंतिम संस्कार के खातिर भेजने की हरी झंडी दी थी। अगले दिन भेष बदल मिस्टर शुक्ला एक साधु के रूप में व्यास भवन के इर्द गिर्द रहे। इलाहाबाद की मानो धड़कने तक रुक सी गई थी उस समय, क्योंकि वही सवाल मिस्टर शुक्ला ने जो व्यास भवन में प्रतिभा के चाचा जी से पूछा था, वही उन्होंने व्यास भवन के इर्द गिर्द लोकपाल से पूछा। प्रतिभा का रोजमर्रा के जीवन में रवैया क्या था? व्यास भवन के पड़ोसी व्यास परिवार के पिट्ठू थे, ये बात मिस्टर शुक्ला जान चुके थे। बुजुर्गों की अंतरात्माएं जवानों के मुताबिक मजबूत होती है, ये बात मिस्टर शुक्ला जानते थे। मिस्टर शुक्ला व्यास भवन के नजदीक बनी ऐसी दुकानों की ओर बढ़े जिन दुकानों के मुखिया कोई ना कोई बुजुर्ग थे। मिस्टर शुक्ला ने एक एक कर कई बुजुर्गों से वही अपना एक ही सवाल पूछा था, प्रतिभा का रवैया कैसा था? यह सवाल सुन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि प्रतिभा एक खूबसूरत एक खुश मिजाज लड़की थी। उस कदर उन बयानों में उस बुजुर्ग ने कहा कि प्रतिभा कई मर्तबा पूजा पाठ शादी खरीदी के खातिर घर से बाहर भी निकलती। बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व परमपिता परमेश्वर ने उसे दिया था। मगर कुछ महीनों से प्रतिभा के अंदर एक किस्म की बेचैनी उन्होंने महसूस की थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रतिभा घर से काफी कम निकल रही थी। इन तमाम बातों को सुन मिस्टर शुक्ला ने परिवार के तकरीबन हर सदस्य से बारी बारी इस संबंध में पूछा। प्रतिभा की मां तो होश में मानो थी ही नहीं, तो मिस्टर शुक्ला ने श्रीमान दामोदर व्यास से इस बारे में पूछा। दामोदर व्यास ने कॉलेज के बारे में मिस्टर शुक्ला को बताया कि शायद पढ़ाई की चिंता के कारण प्रतिभा थोड़ी परेशान थी। मिस्टर शुक्ला ने क्रॉस चेकिंग के खातिर इलाहाबाद नेशनल कॉलेज में पता किया तो पता लगा प्रतिभा व्यास कॉलेज की होशियार छात्राओं में से एक थी। प्रतिभा की सहेलियों से पूछताछ हुई तब भी किसी प्रकार की नोकझोंक की खबर मिस्टर शुक्ला को नहीं मिली थी। सबूत मिस्टर शुक्ला के करीब तो थे मगर उनके पास नहीं। प्रतिभा के जाने के 3 दिन बाद मिस्टर शुक्ला प्रतिभा के कमरे में दोबारा आए। मिस्टर शुक्ला ने इस दफा प्रतिभा की हर कॉपी किताब को बारीकी से खंगाला तो एक किताब के अंदर से मिस्टर शुक्ला को कुछ कागजात मिले। मिस्टर शुक्ला ने एक एक कागजात गौर से पढ़ा और शायद इस बार मिस्टर शुक्ला को मंजिल का सीधा मार्ग मिल चुका था। उसी रोज मिस्टर शुक्ला ने घर के नौकरों के जरिए उन लोगों के बारे में पता किया
जिनका घर में काफी ज्यादा आना जाना था। मिस्टर शुक्ला उसी साधु का भेष बदल व्यास भवन के समक्ष बैठ गए थे, क्योंकि इस बार उन्हें केवल गुनहगार की शक्ल देखनी थी। दोपहर के तकरीबन 2 बजे मिस्टर शुक्ला ने साइकिल पर एक लड़के को आते देखा। व्यास भवन को चलती साइकिल पर एक उम्मीदों भरी नजरों से वो देख रहा था, और फिर व्यास भवन के समक्ष एक चाय की दुकान पर चाय पीते घर को देख मन ही मन मानो कुछ कह रहा। मिस्टर शुक्ला भाव तो नहीं पा रहे थे, मगर वो जान रहे थे कि इस कथा की ये भी एक अहम कड़ी है। और रात के समय पुलिस की मदद से मिस्टर शुक्ला ने उस लड़के को उसके घर से उठा लिया। उस लड़के से मिस्टर शुक्ला ने पूछताछ करी, और आखिरकार मिस्टर शुक्ला को मालूम हुआ कि माजरा आखिर है क्या। इस बार मिस्टर शुक्ला ने एक एक कड़ियों को फिर से जोड़ा। प्रतिभा का कत्ल व्यास भवन के नजदीक क्यों हुआ? प्रतिभा का कत्ल गला रस्सी से घोंट कर ही क्यों किया गया, जबकि धारदार चाकू का इस्तेमाल उससे कई गुना आसान है। प्रतिभा के हाथों के सभी नाखून टूटे हुए थे, मतलब खूनी के शरीर पर नाखूनों के घाव मिलना तय था। प्रतिभा के घर से मिले वो कागजात, एक खुश मिजाज लड़की का अचानक गुमसुम हो जाना, इन सभी कड़ियों को जोड़ मिस्टर शुक्ला ने मुस्कुराकर एक सिगरेट जलाई। Because now he know that who was the culprit of this murder case. प्रतिभा को गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। मिस्टर शुक्ला ने पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास गुप्ता के साथ 3 कॉन्स्टेबल्स को बुलाया। मिस्टर शुक्ला ठीक मंगल के रोज व्यास भवन इंस्पेक्टर गुप्ता के साथ पहुंचे थे। आज एक बार फिर पूरा व्यास परिवार मिस्टर शुक्ला के सामने खड़ा था। मिस्टर शुक्ला ने परिवार वालों को पूरी केस स्टडी दोबारा याद दिलाई। मिस्टर शुक्ला ने सिगरेट जला बातें बताना शुरू किया। प्रतिभा व्यास का कत्ल मंगलवार सुबह करीब 7 बजे हुआ था। रोजाना प्रतिभा सैर के खातिर सुबह घर से निकलती थी, इसका मतलब खूनी बखूबी प्रतिभा के बारे में जानता था। खूनी चाहता तो प्रतिभा को सैर के दौरान अगवा कर प्रतिभा को दूर ले जा मार सकता था, मगर खूनी ने घर के पीछे इतनी नजदीक जगह चुनी ताकि उस पर कोई शक ना करे। खूनी जानता था कि मर्डर स्पॉट किस समय सुनसान होता है, मतलब खूनी काफी करीबी था। खूनी चाहता तो प्रतिभा के शरीर के साथ दुष्व्यवहार भी कर सकता था, मगर प्रतिभा का शव पूर्ण रूप से स्वच्छ था, मतलब खूनी प्रतिभा को तड़पन नहीं देना चाहता था। एक आखिरी कड़ी जो मिस्टर शुक्ला ने परिवार के सामने रखी वो थी प्रतिभा के टूटे हुए नाखून। रस्सी के जरिए प्रतिभा का गला घुटते ही प्रतिभा ने खूनी के बालों को नोचा था, क्योंकि प्रतिभा के नाखूनों को सूंघ मिस्टर शुक्ला को जैतून के तेल की महक आई थी, और वो तेल पूरे व्यास परिवार में केवल एक ही इंसान लगाता था, प्रतिभा के परम पूजनीय पिताजी श्रीमान दामोदर व्यास साहब। दामोदर जी ने सभी इल्जामों को नकार दिया। मिस्टर शुक्ला ने इंस्पेक्टर गुप्ता को दामोदर जी के बाल शेव करने को कहा, और खाली सिर पर दामोदर व्यास के सूखे गहरे घाव और बाल तोड़ के निशान देखे गए। किसी किस्म का कबूलनामा जब दामोदर साहब ने नहीं दिया, तब मिस्टर शुक्ला ने चंदन कुमार को बुलाया। चंदन कुमार वही लड़का जिसको घर से उठा मिस्टर शुक्ला ने पूछताछ करी थी। दरअसल 1 साल से चंदन और प्रतिभा एक दूसरे को पसंद करते थे। चंदन
एक दलित लड़का था और प्रतिभा एक ब्राह्मण लड़की। दामोदर व्यास एक कद्दावर कारोबारी के साथ एक कट्टर जनेऊधारी ब्राह्मण भी थे, जो कागजात मिस्टर शुक्ला को प्रतिभा के कमरे से मिले थे वो दरअसल चंदन के प्रतिभा को भेजे गए प्रेम पत्र थे, लव लेटर्स। जिस रोज दामोदर व्यास को एक दलित का प्रेम उनकी खुद की बेटी के साथ मालूम हुआ, तब आप आखो उन्होंने प्रतिभा के जीवन में कई किस्म के प्रतिबंध लगा दिए थे। मंगलवार के रोज प्रतिभा सवेरे सैर पर निकली, मगर खिड़की पर खड़े हो उन्होंने चंदन को घर के बाहर देखा था। प्रतिभा का पीछा किया तो चंदन को प्रतिभा ने एक चिट्ठी दी थी। दामोदर व्यास का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका था कि उस निर्दयी पुरुष ने अपनी इज्जत के खातिर रस्सी ले अपनी बेटी की गला घोट हत्या कर दी थी। दामोदर व्यास ने रोते बिलखते अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस को उन्हें सौंपने से पहले मिस्टर शुक्ला ने दामोदर व्यास से कहा, जानना नहीं चाहोगे चंदन को दी गई आखिरी चिट्ठी में प्रतिभा ने क्या लिखा था? मिस्टर शुक्ला ने चिट्ठी पढ़ी जिसमें प्रतिभा ने लिखा था, चंदन शायद हमारे जीवन में एक होना नहीं लिखा है, मगर तुमसे प्रेम करने से पहले मैं अपने बाऊजी से प्यार करती हूं। तुम्हारा टूटता दिल शायद मैं सह लूं, मगर बाऊजी की टूटती उम्मीद का बोझ मैं नहीं सह सकती। हो सके तुम मुझे माफ कर देना, प्रतिभा। दामोदर व्यास को जिस कदर अपने कानों पर यकीन नहीं था उसी कदर खुद से घिनानी शुरू हो गई थी। दामोदर व्यास जमीन पर गिर घुटनों के बल जोर जोर से रोने लगे। प्रतिभा बाऊजी की जिस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी, दामोदर व्यास ने उसी उम्मीद को अपने पैरों तले रौंद डाला था। प्रतिभा ने बेशक मरते हुए अपने बाऊजी का चेहरा ना देखा हो, मगर शायद उस समय उसकी अंतरात्मा तक रोई होगी। अपनी बेटी के कत्ल के जुर्म में दामोदर व्यास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। चंदन कुमार अपनी जिंदगी में फिर अकेला हो गया था। व्यास परिवार का वर्चस्व मानो इलाहाबाद से फीका होता नजर आने लगा। व्यास परिवार अंदर ही अंदर मानो बिखरता गया, मगर प्रतिभा मर्डर केस सॉल्व कर मिस्टर शुक्ला ने फिर अपनी सिगरेट जलाई और उसी रोज एक चिट्ठी उनके पास पहुंची जिसका सब्जेक्ट था, नीड ऑफ मिस्टर शुक्ला इन दिल्ली। जाहिर है कि हुकूमत हिंदुस्तान ने भी मिस्टर शुक्ला का इस्तेमाल देश की उन्नति और अपने फायदे के लिए किया हो। मिस्टर शुक्ला ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से और कितने केस सॉल्व करे इसकी व्याख्या तो कथा के अगले अध्याय में ही मिलेगी। शायद इस कदर ऐसा डिटेक्टिव हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ना हुआ हो। मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में मिस्टर शुक्ला नामक प्राइवेट डिटेक्टिव की एक कथा अध्याय एक।